तो देखो आज हम मिसलेनियस के थोड़े से सम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, फोर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन रियल पार्ट ऑफ जेड टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू। अब देखो देखने में ये सम्स वो लगते हैं कि हाँ काफी डिफिकल्ट है ना, कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जेड वन जेड टू वट आर जेड वन जेड टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जेड वन एंड जेड टू कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये प्रूफ्स वाले सम है, ये भी इजी होते हैं, देखने में बस डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। तो हमने लेट कर लेने हैं सबसे पहले जेड वन, किसी भी फॉर्म में आप लेट कर सकते हो। हमने लेट कर लिया ए वन प्लस आईटा बी वन एंड जेड टू को लेट कर लिया ए टू प्लस आईटा बी टू, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, ये चीज प्रूफ करनी है। सबसे पहले आप देखो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, जेड वन जेड टू की मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो इनको, क्या बनेगा ए वन प्लस आईटा बी वन ए टू प्लस आईटा बी टू विच इज इक्वल्स टू ए वन ए टू प्लस आईटा ए वन बी टू प्लस आईटा बी वन ए टू प्लस आईटा स्क्वेयर बी वन बी टू। नाउ ए वन ए टू जो आईटा स्क्वेयर वाली टर्म होती है वो आपकी रियल टर्म होती है बिकॉज ये माइनस बी वन बी टू होगा, तो इसके इसको मैंने रियल के साथ ले लिया। और जो आईटा वाली टर्म्स है ये आपकी इमेजिनरी होगी ए वन बी टू प्लस बी वन ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेड वन जेड टू, ए प्लस आईटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू। तो आप देखो इसका रियल पार्ट क्या है, ये नहीं है, ये इमेजिनरी है। जब यहाँ पे रियल पार्ट लिखा है जेड वन जेड टू का तो हमने सिर्फ रियल पार्ट ही लिखना है, तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू, ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड रियल पार्ट ऑफ जेड वन रियल पार्ट ऑफ जेड वन सॉरी जेड टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू। अब देखो रियल पार्ट जेड वन क्या है, जेड वन का रियल पार्ट क्या है ए वन, तो इसकी जगह क्या आ गया ए वन। रियल पार्ट ऑफ जेड टू, रियल पार्ट क्या है जेड टू का ए टू, तो इसकी जगह आ गया ए टू। माइनस व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इज बी वन एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू इज बी टू। तो आप तो वी ऑब्जर्व दैट द एल एच एस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्रूफ है वो सही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्व द इक्वेशन। अब इसमें आपके सारे सम्स मिक्स आएंगे, ठीक है, सारी एक्सरसाइजेस में से या जो भी आएगा सब मिक्स आएगा, बिकॉज हम मिसलेनियस कर रहे हैं तो इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, बस उसके थोड़े से सम्स है। सॉल्व द इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी बाई थ्री इक्वल्स टू जीरो, इसको सॉल्व करना है। थर्ड स्क्वायर एंड जो आपका मेथड है वो मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन वाला मेथड यूज करेंगे। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी बाई थ्री इक्वल टू जीरो, पहले इसको एलसीएम लेके हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एलसीएम लो क्या बनेगा, थ्री थ्री इज द नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल्स टू नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी इक्वल्स टू जीरो। नाउ कंपेयर टू दिस इक्वेशन देन वी गेट ए इक्वल्स टू नाइन बी इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व एंड सी इक्वल्स टू ट्वेंटी, ठीक है। तो नाउ बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, ठीक है। तो वट इज माइनस बी, बी इज माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस बी स्क्वेयर दैट इज माइनस ट्वेल्व स्क्वेयर माइनस फोर ए इज नाइन एंड सी इज ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू इंटू ए इज नाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल्स टू देखो क्या बन गई एक्स की वैल्यू 12 प्लस माइनस 144
ना 12 की स्क्वायर 144 -720, 9 4 36, 20 7 20, तो 12 प्लस माइनस 144 -720 डिवाइडेड बाय 2a, व्हाट इज 2a, 2 9 18, ठीक है, तो x आ गया 12 प्लस माइनस, नाउ 720 -144 इज -576 डिवाइडेड बाय 18, हो गया 12 प्लस माइनस, नाउ 576 किसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर रूट होता है 24, और साथ में आइट आ जाएगा बिकॉज रूट में माइनस है, और नीचे कितना आपके पास 18, तो दैट मीन्स एक वैल्यू को हमने अल्फा का नाम दे दिया एंड दूसरी को बीटा का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ गई, अगर हम यहाँ से 6 को कॉमन निकाल लें हो जाएगा 2 प्लस 4 आइटा, ठीक है, और यहाँ से अगर 6 को कॉमन निकाले तो 2 माइनस 4 आइटा, सॉरी 18 है ना, यहाँ पे 6 3 18, तो दैट मीन्स एक वैल्यू आपके पास होगी 2/3 प्लस 4 आइटा/3, एंड सेकेंड वन इज 2/3 -4 आइटा/3। आप देख सकते हो जो एक्स की वैल्यूज आई है दोनों वो किस में, कॉन्जुगेट पेयर्स में है ना, ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है। तो ये आप रिजल्ट याद रखना यही वाला कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास रियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, दैट मींस ए बी सी रियल होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। तो ये चीज वही है कि यहाँ पे आपके पास जो कोएफिशिएंट्स थे इसके इक्वेशन के रियल थे ना, 9 -12 20, किसी के साथ भी आइटा नहीं है, कोई भी इमेजिनरी नहीं है, तो दैट मीन्स इसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है वो किस में, कॉन्जुगेट पेयर्स में, ठीक है, 1 मार्क्स में आपको आ सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज इफ z1 = 2 - i and z2 = 1 + i, देन फाइंड z1 + z2 + 1 / z1 - z2 + 1 मॉडुलस, इसका मॉडुलस। तो देखो वैल्यूज पुट करो इसमें, पहले हम इसको फाइंड करते हैं जो मॉडुलस के अंदर है, ठीक है, कि पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तभी इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो नाउ व्हाट इज z1 2 - i + z2 1 + i + 1 / z1 2 - i - z2 - 1 - i + 1। तो यहां से देखो आइटा कैंसिल हो गया और यहाँ से आप देखो 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ऊपर रह गया हमारे पास 2 + 2 = 4 / 2 - 2 i, ठीक है। नाउ अगर 2 हम कॉमन निकालें नीचे में से तो ये चीज आपके पास हो जाएगी 2 / 1 - i। अब इसको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, रियलाइजेशन करके, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 × 1 + i / a² - b² दैट इज 2 + 2 i, या इसको ऐसे लिख लो 2 × 1 + i, और नीचे हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 × 1 + i / 2। तो ये चीज आपके पास क्या होगी, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 1 + i, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, इसका मॉडुलस, दैट मींस इसका मॉडुलस, तो ये प्लस आइटा बी की फॉर्म होगी, यहाँ पे रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी भी 1 है, तो मॉडुलस क्या होता है, √a² + b² दैट इज √2। तो इसका जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल आ गया, √2 के इक्वल। जहाँ पे भी z1 z2 आ जाए वहां पे आपने घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, अगर तो आपको वैल्यूज गिवन है तो वही पुट कर देना है, अगर नहीं गिवन देन यू हैव टू लेट ए प्लस आइटा बी और एक्स प्लस आइटा वाई इवन प्लस आइटा बी वन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर सम, ठीक है, आपने उसको लेट कर लेना है कुछ भी। नेक्स्ट इज क्या, इफ ए प्लस आइटा बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x² + 1, देन प्रूव दैट a² + b² = x² + 1 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x² + 1 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मेथड भी हमने किया था कि अगर हमें
एक तरह से स्केयर्स में आंसर चाहिए या रियल्स में आंसर चाहिए तो हम उसमें कॉन्जुगेट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो देखते हैं इसका प्रूफ करते हैं। तो जो गिवन है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो जब यहाँ पे लेंगे हम कॉन्जुगेट, ये क्या बनेगा, ए माइनस आइटा बी, यहाँ पे बनेगा एक्स माइनस आइटा की होल स्क्वायर। और नीचे देखो, नीचे आइटा है नहीं, दैट मीन्स रियल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज जेड अगर रियल है तो जेड कॉन्जुगेट जेड के इक्वल ही होते हैं, ठीक है। इफ जेड इज रियल, ये आपने प्रॉपर्टी भी की हुई है, और आप देख भी सकते हो कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इसको हमने नाम दे देना है सेकेंड इक्वेशन का। नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, जब मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस आइटा स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखो पावर कॉमन निकल जाएगी, सेम है, और नीचे हो गया ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज देखो क्या बन गई, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आइटा स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल स्क्वायर। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट लेना है, ये हमने पहले भी समझ किए इसके साथ के, कि फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है उसको मान लो, फिर कॉन्जुगेट लेके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जेड वन इक्वल्स टू टू माइनस आइटा एंड जेड टू इक्वल्स टू माइनस टू प्लस आइटा। हमने फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू डिवाइडेड बाय जेड वन कॉन्जुगेट, इसका रियल पार्ट। तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे, जो जो चाहिए जेड वन जेड टू क्या होगा, टू माइनस आइटा माइनस टू प्लस आइटा विच इज इक्वल्स टू माइनस फोर प्लस टू आइटा प्लस टू आइटा माइनस आइटा स्क्वेयर, ठीक है। माइनस फोर प्लस टू आइटा प्लस टू आइटा माइनस आइटा स्क्वेयर, दैट इज माइनस फोर प्लस फोर आइटा, और ये माइनस आइटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा, प्लस वन, दैट इज माइनस थ्री प्लस फोर आइटा। नाउ अगर हम इसको पूरा उठाएं तो क्या बन जाएगा जी, जेड वन जेड टू डिवाइडेड बाय जेड वन कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज जेड वन जेड टू, माइनस थ्री प्लस फोर आइटा एंड जेड वन कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, टू माइनस आइटा का टू प्लस आइटा। अब इसको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रियलाइजेशन करके, ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा देखो, माइनस प्लस फोर आइटा मल्टीप्लाई टू माइनस आइटा, और नीचे तो आपके पास सिंपल बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पे आ गया माइनस सिक्स प्लस थ्री आइटा प्लस एट आइटा माइनस फोर आइटा स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया माइनस सिक्स प्लस थ्री आइटा प्लस एट आइटा माइनस फोर आइटा स्क्वेयर, जो किसके इक्वल हो गया, माइनस सिक्स, ये माइनस फोर आइटा स्क्वेयर प्लस फोर हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास माइनस सिक्स प्लस फोर आइटा सॉरी प्लस फोर, ये आपका रियल पार्ट हो गया। अब उसके बाद देखो प्लस इलेवन आइटा और नीचे फोर प्लस वन, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास माइनस टू प्लस इलेवन आया था डिवाइडेड बाय फाइव, तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है इसका रियल, जेड वन जेड टू डिवाइडेड बाय जेड वन कॉन्जुगेट का रियल पार्ट क्या आ गया, दैट इज रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका रियल पार्ट क्या है, माइनस टू बाई फाइव। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट है, हमने इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है, किसका, वन बाय जेड वन कॉन्जुगेट। तो नाउ जेड वन है आपके पास टू माइनस आई था, देखो जेड वन क्या है, टू माइनस आई था। नाउ जेड वन कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, टू प्लस आई था, दैट इज ए माइनस बी प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नाउ टू की स्क्वेयर फोर, आयटा स्क्वेयर इज वन, माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, दैट इज इक्वल्स टू वन बाई फाइव। तो हमने क्या करना है, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, हमने सिर्फ ये चीज निकाल लिया अभी। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन बाय फाइव, जब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, जीरो, बिकॉज वन बाय फाइव तो रियल है। ठीक है, तो इसको जब हम ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, वन बाय फाइव प्लस जीरो आइटा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो। ठीक है, तो ऐसे भी अगर आपके रियल इमेजिनरी आ जाए, आपने पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिख देना, उसका आंसर क्या लिखना है, सिर्फ इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट। अब नेक्स्ट इज फाइंड द मॉडुलस ऑफ वन प्लस आइटा डिवाइडेड बाय वन माइनस आइटा, माइनस वन माइनस आइटा डिवाइडेड बाय वन प्लस आइटा। हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना, तो सबसे पहले हम इसको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसका मॉडुलस निकालेंगे। देखो ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, वन प्लस आइटा होल स्क्वायर माइनस, जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास ये चीज बनी, वन प्लस आइटा होल स्क्वायर माइनस वन माइनस आइटा की होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर इज वन स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस टू आइटा, माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर इज, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर होल स्क्वायर खोल सकते हो जैसे हम खोल रहे हैं, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, वन माइनस वन प्लस टू आइटा, माइनस वन माइनस वन माइनस टू आइटा, वन प्लस वन, ये वन वन कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास टू आइटा प्लस टू आइटा डिवाइडेड बाय टू, दैट मीन्स फोर आइटा डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल्स टू टू आइटा। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होगी जीरो प्लस टू आइटा, अगर हम इसके ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखे तो रियल पार्ट इज जीरो। नाउ हमने क्या निकालना है इसका मॉडुलस, तो क्या होगा वो, टू की स्क्वेयर दैट इज, इसका मॉडुलस की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉड बीटा इक्वल्स टू वन, देन फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ध्यान से देखना है, हमको थोड़ा सा ट्रिकी है कि हमने इसमें क्या यूज करना है या प्रूफ के लिए क्या करना है। ठीक है, तो देखो अल्फा एंड बीटा आपके अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स है डिफरेंट, एंड मॉड बीटा आपको वन गिवन है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम देखो क्या इसमें क्या रिजल्ट यूज करेंगे, हमें ये चीज पता है कि मॉड जेड की स्क्वेयर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट होती है, या जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट को हम ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में करवाया था कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये अभी हमने किया, अभी ये देख लो आप, ये देखो एक तरह से जेड है, ये एक तरह से जेड कॉन्जुगेट है, ठीक
ठीक है, 1 + i, 1 - i। तो जब हम इसको, ये जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट है, और जब हम इसकी वो करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो क्या बनेगा, मॉड जेड स्क्वेयर के इक्वल ही आएगा। अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं तो रूट रूट टू आएगा, और यहाँ पे 2 1 है, दैट मीन्स रूट टू की स्क्वेयर 2। ठीक है, इसका प्रूफ भी करवाया हुआ है मैंने। तो आप देख सकते हो कि मॉडुलस को, मॉडुलस की स्क्वेयर को हम जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो यही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है और ये मॉडुलस में, तो हम क्या यूज करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वेयर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। ये अब आपका पूरा जेड ले लिया हमने, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड की होल स्क्वेयर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। अब देखो, अब जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे तो यही रहेगा बीटा माइनस अल्फा, ये तो ऐसे ही पड़ा है, 1 - अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अब जब इसकी कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट को हम अलग अलग कर सकते हैं सभी के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। नीचे 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा बिकॉज रियल पार्ट है, अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बीटा का कॉन्जुगेट, सभी का कॉन्जुगेट अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये रिजल्ट भी हमने किया हुआ है, अगर पूरे का कॉन्जुगेट है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने दोनों के साथ अलग अलग किया, फिर उसके अंदर ले गए, प्लस माइनस में भी हम अंदर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हो गया बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, 1 का कॉन्जुगेट 1, अल्फा कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट अल्फा, बीटा का कॉन्जुगेट बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ऊपर अब ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, और नीचे हमारे पास हो गया 1 - अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू 1 - अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो देखो आप मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, बीटा बीटा कॉन्जुगेट माइनस, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा बीटा बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर में 1 1 = 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है। अब देखो ये चीज क्या बन गई, फिर वही चीज लग रही है कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वेयर। हम इसको लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड ऑफ बीटा स्क्वेयर, बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ अल्फा स्क्वेयर। सिमिलरली नीचे डिनोमिनेटर में देखो, इसको अगर हम इकट्ठा कर ले मल्टीप्लाई है, तो अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा इज मॉड अल्फा स्क्वेयर, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज मॉड बीटा स्क्वेयर। अब देखो हमें गिवन है मॉड बीटा इक्वल्स टू, ये आपको सामने गिवन है कि मॉड बीटा इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पे इसको 1 लिख सकते हैं, 1 - बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड अल्फा स्क्वेयर, और यहाँ पे 1 - अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, और यहाँ पे देखो इसको फिर 1 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या रह जाएगा मॉड अल्फा स्क्वेयर। अब आप देखो डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर आर सेम, तो दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी इसकी इक्वल आ गई, इसका मॉडुलस किसकी इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। देखो यहाँ पे हमने स्क्वेयर ली थी ना, तो ये अभी इसका स्क्वेयर आया, स्क्वेयर उठाया था, अब स्क्वेयर उधर जाके स्क्वेयर रूट बनेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉडुलस की 1 ही आ जाएगी फिर भी। तो दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा मॉडल कॉन्जुगेट बीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसमें क्या कि एक बार और देख लो कि ये हमने इसका मॉडुलस निकालना था, वो तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करें,
क्योंकि यहाँ पे ना हमें अल्फा बीटा पता ही नहीं है कौन से वो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ वैसे भी कर सकते हो, अल्फा को एक्स प्लस आइटा वाई ले लो, बीटा को ए प्लस आइटा बी, दोनों को डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेके इसको प्रूफ करना शुरू कर दो, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत बड़ा सम और बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है उसमें सॉल्विंग करने में, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इजी मेथड यूज कर रहे हैं कि हम इसको लिख रहे हैं मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं क्योंकि तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स ही होगी, ठीक है। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ही समझ रहे हैं, इसकी स्क्वेयर को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, और जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया उसमें हमने मॉड बीटा की स्क्वायर को 1 पुट कर दिया और हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया, तो इसका मॉडुलस 1 आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। आपका जो समय क्या है, 1 + 7 आइटा डिवाइडेड बाय 2 - आइटा की होल स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 - आइटा की होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो नीचे क्या हो गया हमारे पास 4 - 1 - 4 आइटा, दैट इज 3 - 4 आइटा, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, रैशनलाइज रियलाइजेशन करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 7 आइटा इंटू 3 + 4 आइटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, 3 + 4 आइटा प्लस 21 आइटा प्लस 28 आइटा स्क्वेयर, और नीचे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर इज 9, 4 आइटा स्क्वेयर इज -16, -16 ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 3, ये -28 हो जाएगा, 3 - 28 इज -25, ठीक है, 4 + 21 इज 25, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया -25 + 25 आइटा डिवाइडेड बाय 25। देखो यहाँ पे 3 - 28 इज -25, 21 + 4 इज 25, 9 + 16 इज 25, तो यहाँ से 25 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा, जैसे ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो -25 / 25 इज -1, 25 / 25 इज 1, तो ये हमारे पास हो गया -1 + आइटा। और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसके लिए पहले मॉडुलस निकालेंगे, तो इसको आर का नाम देंगे जो 2। नाउ लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल सच दैट टैन अल्फा इक्वल्स टू मॉड वाई बाई एक्स, दैट इज वाई के 1, एक्स के 1, दैट इज 1 विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, सॉरी टैन अल्फा इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 4, टैन की वैल्यू पाई बाय 4 1 कहाँ पे होती है, पाई बाय 4 पे, तो एंगल क्या हो गया आपके पास पाई बाय 4। अब हमने क्या देखना है, नाउ जो आपका जेड है तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका थीटा है दैट इज आर्ग्यूमेंट है वो किसके इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा के, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4 which is equals to 3 π/4. Now in polar form, z equals to r cos theta plus iota sin theta, then what is r? R equals to root 2 and theta equals to 3 π/4, then cos 3 π/4 plus iota sin 3 π/4, ये क्या होगी polar form, ठीक है। तो आपको याद होगा पोलर फॉर्म कैसे निकालनी है, क्या होती है, आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, वेयर आर इज द मॉडुलस ऑफ जेड एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड है तो माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ है तो अल्फा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है थीटा इक्वल्स टू अल्फा, ये आपने चारों क्वाड्रेंट्स में इसकी वैल्यूज को याद रखना है।
ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट सम. क्या इफ एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल्स वाई होल क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आइटा वी, देन शो दैट यू बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल्स टू 4x² - 1² ठीक है. आई थिंक ऐसे सम हमने क्यूब रूट में किया था कि यहाँ पे 1/3 गिवन था. चलो आपके पास एक्स प्लस आइटा वाई की होल क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आइटा वी, तो क्यूब खोलो. अगर तो देखो यहाँ पे क्यूब रूट होता तो हम क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देते. यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब को खोल दो. ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² b प्लस 3ab² विच इज इक्वल्स टू यू प्लस आइटा वी, क्योंकि आपके पास प्लस आइटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3² i प्लस 3x² y² इक्वल्स टू यू प्लस आइटा वी. ये हो गया आपके पास x³ - i² ये 3x² i, और यहाँ पे क्या हो गया i² is -1, सो -3x y² नाउ रियल पार्ट क्या हो गया इसका x³ - 3x y² एंड इमेजिनरी पार्ट 3x² y - y³ इक्वल्स टू यू प्लस आइटा वी. ठीक है, तो हमने इसको ए प्लस आइटा वी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो अब हम कंपेयर करेंगे. जब कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट रियल की इक्वल बाय क्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स शुड इक्वल आर इक्वल इफ रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट यू बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल्स टू दिस. तो हम यू बाई एक्स एंड वी बाई वाई निकालते हैं. तो देखो यू होगा दैट इज x³ - 3xy² डिवाइडेड बाई एक्स. जब आप इसको एक्स के साथ डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, ये x² - 3y² नाउ वट इज वी बाई वाई. वी आपके पास 3x² y - y³, इसको y के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² - y². ठीक है, अब अगर आप हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं u by x प्लस v by y. ठीक है, तो u by x की वैल्यू क्या है x² - 3y² एंड v by y की वैल्यू x² - y² तो ये हो गया हमारे पास 4x² - 4y² विच इज इक्वल्स टू 4 कॉमन आ गया x² - y² सो ये हो गया आपकी राइट हैंड साइड. ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना था, इसकी इक्वल आ गया.